गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि कल के क्लास को आप लोगों ने एंटरटेन किया होगा, समझा होगा। आज की क्लास को हम लोग वहीं से आगे बढ़ाते हैं, पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर रहे थे और उसमें सिक्के हैं, जो रिंग वेल्स हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्रलेख हैं, उनकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और आज हम चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों की। अशोक के अभिलेख इस मामले में महत्वपूर्ण हैं या विशिष्ट हैं, स्पेसिफिक हैं कि पहली बार किसी शासक ने अपनी नीतियों को प्रसारित करने के लिए इतने व्यापक स्तर पर प्रयास किया। याद रखिए कि उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई समाचार पत्र नहीं था कि अपने विचारों को राजा रख सके। अभिलेखों के माध्यम से, रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से अशोक ने ये काम किया, तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना होगा कि उसका कंटेंट क्या था, उद्देश्य क्या था, है ना। तो इन सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और जाहिर सी बात है इस पर भी सवाल अलग से बनेंगे कि अभिलेखों के आधार पर ही पुनर्निर्माण करने की बात कही जाएगी और ये अभिलेख लगभग 40 से भी अधिक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं अशोक के अभिलेखों से। ये अशोक के जो अभिलेख हैं कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, इन सारी की चर्चा हमने किया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है सब तब तक जब तक कि आप लेखों की प्रकृति को समझिए नहीं, है ना। तो निश्चित रूप से अशोक के जो अभिलेख हैं, अगर हम बात करें रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, तो अशोक के अभिलेख, पहली बात तो पूरे साम्राज्य में आप देखेंगे कि पूरे साम्राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं ये, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जनता को संबोधित हैं और इसके माध्यम से जो शासक है वो अपनी नीतियों को क्या कर रहा है, प्रसारित करने का प्रयास कर रहा है, जनता को संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे ये चार लिपियों में है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, आर्माइक, चार प्रकार के लिपियों में हैं, क्लियर। अलग अलग लिपियों का क्या उद्देश्य रहा होगा, निश्चित रूप से अलग अलग लिपियों का उद्देश्य यह रहा होगा कि जिस क्षेत्र में जो लिपि प्रचलित है उसी लिपि के में अगर अभिलेख रहेगा तो लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्लियर है। इसलिए क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया। कुछ द्विभाषी लेख भी हैं, जैसे शेरे कुना कांधार का जो लेख है वो क्या है, द्विभाषी लोक है। तो जाहिर सी बात है दो भाषाओं में है तो थोड़ा सा लिप्यांतरण जो है वो आसान हो जाता है। एक को अगर आप जानते हैं तो आप दूसरे को थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं लिपियों के। तो निश्चित रूप से अलग अलग लिपियों में संबोधित करने या एड्रेस करने का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य मात्र ये था कि लोग स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय लिपि में भी इसको समझ सकें। और अगर आप देखेंगे प्रकृति के हिसाब से, अगर हम लोग डिसाइड करें तो अगर प्रकृतिगत हिसाब से देखेंगे तो बृहद शिलालेख, इनके चार ग्रुप हैं। अगर अभिलेखों के ग्रुप की बात करें तो पहला आप पे कह सकते हैं कि बृहद शिलालेख है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, बृहद शिलालेख एक वर्ग यह है। दूसरा है लघु शिलालेख, माइनर रॉक एडिक्ट शिलालेख, स्तंभ लेख, पिलर रॉक एडिक्ट स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, माइनर माइनर रॉक एडिक्ट, लघु स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर रॉक एडिक्ट्स, लघु स्तंभ लेख, और एक लास्ट में आप यहां पे लिख दीजिए गुहा लेख, केव पांचवा, चलिए लिख दे रहा हूं, केव इंडेक्स, केव एडिक्ट्स गुहाओं में, गुफाओं में लिखे हुए हैं। तो इन जो अलग अलग कैटेगरी था इसको कैटेगराइज करने का क्या उद्देश्य था,
इसकी क्या विशेषता थी, इस बात को भी हमको जानने की जरूरत होगी। वास्तव में जो बृहद शिलालेख हैं, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ 14th रॉक एडिक्ट्स 14 लेखों के समूह हैं, 14 लेखों के समूह हैं। इस बात को समझिए, 14 लेख का मतलब ये है कि एक ही साथ 14 लेख लिखे हुए हैं। अगर आप कल्पना करें तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो, एक तरफ से चूंकि ये गोलाकार है तो आपको 7 से ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी आप ऐसे समझिए, अगर इसको रॉक एडिक्ट आप मानिए तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात आपके सामने पड़ेंगे और सात इधर पड़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 लेखों के एक समूह हैं ये बृहद शिलालेख हैं। 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं अभी हम आपको टेबल में दिखा देते हैं, लेकिन आप पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। 14 शिलालेख हैं और याद रखिएगा, इन 14 शिलालेखों का जो क्रम है, धौली और जौघड़ को छोड़ दिया जाए, अपवाद है, मैं बताऊंगा अभी क्या अपवाद है, लेकिन इन 14 शिलालेखों का जो क्रम है वो यही है, 1, 2, 3, 4 में। यानी अगर मान लीजिए एक स्थान के प्रथम शिलालेख में जो बात कही गई वो दूसरे स्थान के भी प्रथम शिलालेख में भी वही बात कही जाएगी। श्योर, बात हमारी समझ में आ गई। यानी इन 14 शिलालेखों का क्रम एक है, अपवाद में हमने आपको बताया धौली और जौगढ़ है ना, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि कंटेंट एक है, क्रम एक है, कंटेंट एक है, बृहद शिलालेख है। वास्तव में बृहद शिलालेख किससे रिलेटेड हैं अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुख्यतः प्रशासकीय हैं, मेनली ये एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, प्रशासकीय हैं और धम्म की नीति से, पॉलिसी ऑफ धम्म, धम्म की नीति से संबंधित हैं। अशोक को पढ़ेंगे तो हम लोग इन अभिलेखों के आधार पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्लियर है? तो ये बृहद शिलालेख हो गए, कंटेंट क्लियर हो गई बात। बृहद शिलालेख के बाद लघु शिलालेख हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स। आप ये कह सकते हैं कि सर ये परिशिष्ट हैं, जो बातें छूट गई थी बृहद शिलालेख से वो परिशिष्ट के रूप में लघु शिलालेख में लिख दी गई। 18 स्तंभों से प्राप्त, 18 स्तंभों से, 18 स्तंभों से इनको 18 स्थानों से मिला हुआ है। इसमें प्रशासकीय के साथ साथ कुछ व्यक्तिगत नाम भी, व्यक्तिगत उपलब्धियां भी इसमें सूचित हैं। अभी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इस कंटेंट की। स्तंभ लेख के अगर आप देखेंगे, पिलर एडिक्ट्स, ये आपको 7 लेखों के समूह हैं, जो पिलर एडिक्ट्स हैं 7 लेखों के समूह हैं। यानी जो बृहद 14 है, तो अगर आप देखेंगे तो 14 के जगह पे ये जो हैं वो क्या हैं, 7 लेखों के समूह हैं। यानी अगर आप ऐसे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों लेखों एक साथ लिखे हुए हैं और वो हैं आपके पिलर एडिक्ट्स हैं। क्लियर है? 7 लेख, और इसमें पारिवारिक मामले और धर्म से संबंधित रिलेटेड मामले हैं वो लिखे हुए हैं। क्लियर है? और लघु स्तंभ लेख जो माइनर पिलर एडिक्ट है, ये भी आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत और धर्म से संबंधित है ना, रिलीजन से रिलेटेड है। हालांकि थोड़ी बहुत बातें कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मिल जाएंगी। और जो गुहा लेख है, एक ही जगह है, बराबर हिल्स है ना, बराबर हिल्स पे जो लिखी हुई हैं वो निश्चित रूप से धर्म से संबंधित हैं, आजीवक धर्म से रिलेटेड हैं ये। तो चीजों को समझिए कि इनका कंटेंट क्या है। बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख है ना, ये कहां से पाए गए, ये एक फैक्चुअल पार्ट हो सकता है और उसके कुछ फैक्ट की जानकारी हमको मेंस राइटिंग में भी काम आ सकती है, वहां पे हम लिख सकते हैं। लेकिन हमें अभी स्पेशली जो है क्या जानना चाहिए कि इसके कंटेंट के बिंदु को जानना चाहिए कि क्या क्या बिंदु इसमें रखे गए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और कैसे सवाल बन सकता है। तो ये जो अभिलेख हैं हमने आपको बताया, बृहद लघु स्तंभ और
गुहालेख। तो जो बृहद शिलालेख है वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। हम मेंस में ये कतई नहीं उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे स्थानों का नाम जानेंगे, लेकिन कुछ प्रमुख प्रमुख स्थानों का नाम जानते रहिए, क्योंकि आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि पूछा जा क्या सकता है, पूछा गया भी है कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर आप क्या करिए, मौर्य साम्राज्य के शासन के जो मौर्य साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करिए। तो जाहिर सी बात है किन किन स्थानों से ये मिले हुए हैं, जब तक आप इसको नहीं लिख पाओगे तब तक नहीं कर सकते हो। तो निश्चित रूप से ये 8 स्थानों से हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में है, खरोष्ठी लिपि में है। और आप जानते हो कि खरोष्ठी लिपि वही उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ही बोली जाती थी ईरानियन इम्पैक्ट की वजह से। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वहाँ पे हैं। कालसी देहरादून में है, गिरनार गुजरात में, धौली जौगढ़ उड़ीसा में, एर्रगुड्डी आपका आंध्रा में, और सतारा महाराष्ट्र में। तो ये बृहद शिलालेख में है। अब वास्तव में हमें बृहद शिलालेख के इन 14 शिलालेखों का प्रमुख कंटेंट पता होना चाहिए। वास्तव में इस शिलालेखों के माध्यम से आप देखेंगे धम्म नीति के संदर्भ में बहुत सारे संदर्भ आए हैं हुए हैं, बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं। जैसे 14 को जानने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें तो जो प्रमुख बातें, जो कॉन्सेप्ट उभर करके आती हैं बृहद शिलालेख से, आप ये कह सकते हैं कि बृहद शिलालेख में, जैसे पहले शिलालेख में बात किया गया किसकी, अहिंसा की बात कही गई, अहिंसा कि हिंसा की बात, हिंसा को समाप्त करने और अहिंसा का समर्थन किया गया है। स्पेशली उसने कहा कि पहले अशोक का यह कहना है कि मेरे पाकशाला में पहले 250-300 पशुओं को मारा जाता था, अब मुश्किल से 1 या 2 पशु ही मारे जाते हैं और वो भी बंद कर दिए जाएंगे, यानी अहिंसा के समर्थन की बात कही। उसके बाद आप देखेंगे प्रथम लेख की बात हमने आपको बताया, उसके बाद अस्पतालों की चर्चा है, अस्पतालों या औषधालयों की बात कहा गया है ना। उसके बाद आप देखेंगे एकदम इसकी जरूरत नहीं है कि आप तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवे में क्या है, छठवे में क्या है, ये सब मत लिखिए। मेन कंटेंट उठा करके आप लिखिए कि मुख्य कंटेंट क्या रहा है। तो निश्चित रूप से अहिंसा की बात हो गई, अस्पतालों की बात हो गई है ना। इसके बाद आप देखेंगे धम्म, धम्म यात्राओं की बात होगी, धम्म ये स्पेशली 8वें में आपको मिल जाएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात होगी, यानी धम्म के जितने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, उनको इसमें दिया गया, बृहद शिलालेख का कंटेंट बिंदु दिया गया इसमें, क्लियर है। लघु शिलालेख में अगर आप देखेंगे, लघु शिलालेख का जो प्रमुख कंटेंट होगा वो क्या है, जैसे कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, जैसे आपको बता दूं, जैसे गुर्जरा मास्की नेट्टूर और उडगोलम, नेट्टूर एवं उडगोलम, इन 4 स्थानों से आप देखोगे तो अशोक का नाम मिलेगा, अशोक का पूरा नाम मिलेगा, यानी हर अभिलेख में अशोक ने अपना नाम नहीं लिखा हुआ है। और इसकी शुरुआत क्या है, देवा नाम प्रियदर्शी राजा अशोक, यानी देवताओं का प्रिय राजा, देवताओं का प्रिय राजा यह कहता है, सामान्यतः यह उल्लेख है। लेकिन इसमें देखोगे गुर्जरा मास्की नेट्टूर और उडगोलम में, तो उसमें सीधे लिखा हुआ है देवताओं का प्रिय राजा अशोक ऐसा कहता है। तो चूंकि देवानाम प्रिय उपाधि यहां जोड़ दिया गया है, तो यह मान लिया गया कि अभिलेखों में जहां जहां देवानाम प्रिय की उल्लेख होगा, जहां जहां देवताओं के प्रिय की बात होगी, वो निश्चित रूप से उसका संबंध किससे मान लिया जाएगा, अशोक से माना जाएगा। उसी तरह से जैसे भाबरू और बैराट लेख है, राजस्थान से भाबरू या बैराट, इससे यह पता चलता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में निष्ठा, अशोक की बौद्ध धर्म में निष्ठा की बात पता चलता है।
बौद्ध धर्म में निष्ठा, तो निश्चित रूप से इस तरह की कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं आपको लघु शिलालेख से प्राप्त होंगी। क्लियर है? अब हम बात करें स्तंभ लेख की। अब आप जरा देखिए, ये जो लघु लघु इसे है, ये आपको मिले रूपनाथ, गुर्जरा, सासाराम, भाबरू, मास्की, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एर्रगुड्डी, गोबिमठ, पलकगुंडू, राजुल मंडागरी, अहरौरा, सारोमारा, नेट्टूर, उडगोलम, पानगुडेरिया, सन्नाथी। प्रिलिम्स में एक बार इसका महत्व भी हो सकता है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में एक दो फैक्ट के बाद आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ है। मध्य प्रदेश में है ना, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, ठीक है, और इन जगहों पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बिहार में है। प्रसार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है? तो ये अशोक के अभिलेखों में यहां मिलेगा। स्तंभ लेख दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा है। वास्तव में मेरठ और टोपरा यानी सहारनपुर में ये अभिलेख थे, और इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया था। उसके बाद लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया रामपुर, यानी स्पेशली ये तीन के तीनों आपको बिहार में मिलेंगे। और आप कह सकते हैं कि जो स्तंभ लेख हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त हुए। सात लेख हैं, सातों में भी स्पेशली स्तंभ लेख में आप देखेंगे कि आपको मिलेगा क्या कि जो धम्म के स्वरूप के संदर्भ में, खास करके जो दूसरा स्तंभ लेख है वो ज्यादा फेमस है, प्लस बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो कुछ बातें कही गई हैं वो सेकंड द्वितीय स्तंभ लेख में आपको यहां पे प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर है? और जो लघु स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख एकदम आप कह सकते हैं कि जैसे सांची का अभिलेख है, इसमें अगर आप देखेंगे क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, से संबंधित है, और यहीं पर रानी जो कारुवाकी है, कारुवाकी का उल्लेख भी आपको मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लघु स्तंभ लेख भी धम्म नीति और पारिवारिक कारणों को बताती हैं, ठीक है। और गुहा लेख बराबर पहाड़ियों से, इसमें दो और सूचनाएं हैं, स्पेशली लघु स्तंभ को ना हो तो लिख लिया जाए, सांची और सारनाथ। सांची और सारनाथ दोनों का कंटेंट एक जैसा है। आइए हम आपको जरा इस पे डिटेल थोड़ा सा बताते हैं। सांची और सारनाथ का जो स्तंभ लेख है, एक तो आप देखेंगे बौद्ध संघ में भेदभाव को रोकने के लिए, भेद को रोकने के लिए सख्त आदेश है, रोकने के लिए सख्त आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति बौद्ध संघ को तोड़ने का प्रयास करेगा तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की बात है। दूसरी तरफ इसमें रानी कारुवाक का नाम मिलता है, क्लियर है, पुत्र तीवर का नाम मिलता है, तो पारिवारिक चीजें कुछ हैं। उसके बाद जो रोमन देवी और निगाली सागर जो अभिलेख है, अगर आप बात करें रोमन देवी और ये स्तंभ लेख की बात हो गई, जो रोमन देवी और निगलीवा है आप बात करिए तो इसमें रोमन देवी और निगलीवा ये नेपाल की तराई में है, और ये लुम्बिनी से संबंधित है, बौद्ध भगवान बुद्ध के जन्म का स्थान है, ये बुद्ध का जन्म स्थान है, और इसने बताया कि किस तरह से यहाँ पर राजस्व को उसने आधा कर दिया। और निगाली सागर में, निगलीवा या निगाली सागर दोनों कहा जाता है, इसमें कनक मुनि के स्तूप का, कनक
मुनि के स्तूप का संवर्धन किया गया है, स्तूप के संवर्धन की बात कही गई है, यानी इसमें व्यक्तिगत और धार्मिक दोनों सूचनाएं आपको उठा करके प्राप्त होंगी। क्लियर हो गई। और जो क्या कहते हैं गुहा लेख है, गुहा लेख में एक तो आपको अशोक का मिलता है कि उसने कुछ गुफाएं आजीवक धर्म को दी, और फिर आगे चल करके उस अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ का भी नाम मिलता है जिसने आजीवक धर्म को कुछ गुफाएं दान में रखी थी। क्लियर हो गया। अब जरा समझिए कि अशोक के अभिलेख अगर आपको लिखना है उठा करके कभी, है ना, तो क्या लिखना होगा आपको, शुरुआत कैसे करनी होगी? तो निश्चित रूप से आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने बृहद स्तर पर अपनी नीतियों को साम्राज्य में में प्रसारित करने के लिए शिलालेखों या लेखों की एक श्रृंखला लिखवाई, है ना। और ये जो लेख थे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में लिखे गए थे, स्थानीय भाषा में जो प्रचलित लिपि है उन लिपि के अनुरूप थे इनका प्रसार। उसके बाद कंटेंट लिखेगा, बृहद, लघु, स्तंभ, लघु स्तंभ और गुहा लेख, और फिर बृहद इस लेखों के आधार पर मैं जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं कि धम्म की नीति की जो प्रमुख बातें हैं वो किस तरह से बृहद शिलालेख में लिखी हुई हैं, लघु शिलालेख से उनके व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, या स्तंभ लेख से बौद्ध धम्म, खास करके जो दूसरा स्तंभ लेख है बौद्ध धम्म का स्वरूप कैसा है ये पता चलता है धम्म के स्वरूप के बारे में। लघु स्तंभ लेख में सांची है, सारनाथ है, रुम्मनदेही, निगलीवा, उसके जो मेन कंटेंट है मैंने जो बताया उसको दो चार लाइन लिख लीजिए, और अंत में गुहा लेख के बारे में लिखे कि किस तरह से ये आजीवक धर्म को समर्पित है, ये लिखने की बात है। तो अशोक के अभिलेखों का जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के आधार पर आप लिखेंगे कंटेंट को, है ना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास या अशोक के ज्ञान के संदर्भ में बातें आप करेंगे। क्लियर है। अब आपको बताएं एक प्रश्न इस पे आया इस तरह से, हालांकि हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी यहां पे चर्चा करना समीचीन होगा कि क्या अशोक के अभिलेख आत्मकथात्मक लगते हैं, वेदर द रॉकेडिक्स ऑफ अशोक आर ऑटोबायोग्राफिकल, यानी अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में जिन चीजों को महसूस किया क्या उसी चीज को उसने इन अभिलेखों में लिखा। प्रश्नों में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस प्रश्न को सोचने का प्रयास करिएगा, सोचिएगा। क्लियर है। और दूसरी बात, अगर हम अशोक के अभिलेखों के आधार पर एक मौर्यन एम्पायर को स्केच करने का प्रयास करें तो वो स्केच क्या आएगा, आप देखिए। अगर इसके कंटेंट के आधार पर, अगर हम अशोक के अभिलेखों के कंटेंट के आधार पर देखें तो प्राप्ति स्थल के आधार पर एक बनाया जा सकता है, जैसे आप देखिए शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये पाकिस्तान में थे, मान लीजिए बृहद शिलालेख शाहबाजगढ़ी मानसेहरा जो प्रमुख प्रमुख हैं उनकी हम बात कर दे रहे हैं। पहले गिरनार यानी जो गिरी वाला क्षेत्र है, कालसी उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, है ना, सोपारा महाराष्ट्र का है, एर्रगुड्डी ये हो गया, एर्रगुड्डी हो गया आपका। क्लियर है। ये तो बृहद शिलालेख के हो गए। इसके अलावा धौली जौगढ़ उड़ीसा का हो गया, धौली जौगढ़ उड़ीसा का हो गया। उसके बाद चलिए मान लीजिए लघु स्तंभ लेख की बात करते हैं हम, या लघु शिलालेख की कुछ बात करें, जैसे भाबरू हो गया, है ना। आप देखिए फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में कई सारे आपको मिलेंगे, सन्नाती, पानगुडेरिया, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, एर्रगुड्डी में भी। यानी अगर हम ये कह दें बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख की बात कर लें, और लघु स्तंभ लेख को कैसे किया जाए, केवल स्पेस लगा लिया जाए, है ना। तो अब अगर मान लीजिए लघु शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख की अगर आप बात करें तो सांची
या जो रामपुरवा है, इस सारे चीज को यहाँ कर लें बिहार में, थोड़ा सा एग्जैक्टनेस लाने की जरूरत होगी। और यहाँ आपने लिया और उसके बाद नेपाल की तराई में कुछ को रखा है ना, ये हो गए आपके स्तंभ लेख और ये हो गए गुहा लेख, और इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए तो मोटी मोटा आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो दिख जाएगा। ये आप कह सकते हैं कि ये सेक्शन थोड़ा सा हटा दिया जाए, यहाँ नहीं रहा होगा। ये मौर्य साम्राज्य की सीमा रही होगी, अब मौर्य साम्राज्य रहा होगा। और जाहिर सी बात है जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो स्पेशली एक एक शिलालेखों के नाम सहित लिखेंगे, प्रमुख प्रमुख लिख देंगे कि बृहद शिलालेख यहाँ से पाए हुए हैं, लघु शिलालेख यहाँ से पाए हुए हैं, स्तंभ शिलालेख से पाए हुए हैं। और ये मानते हुए कि राजा ने या शासक ने शिलालेख अपने ही क्षेत्र में लगाया होगा तो हम मान सकते हैं कि ये इसका साम्राज्य प्रसार रहा होगा या अशोक का साम्राज्य रहा होगा, अशोक का साम्राज्य। ठीक है, अब आप जरा देखिए, मान लीजिए अशोक का साम्राज्य विस्तार आपने लिखा, इस पर हम लोग आंसर राइटिंग के सेक्शन में नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन मोटी मोटा कंटेंट आप समझ गए होंगे कि अशोक के अभिलेखों की अंतर्वस्तु लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, अशोक के अभिलेखों के आधार पर साम्राज्य विस्तार लिखना हो तो किन किन संदर्भों को ध्यान में रखेंगे वो आपने देख लिया। अब सवाल इस बात का है कि क्या अशोक के अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी आपको दिखाई देती है, तो जी हाँ, अशोक के अभिलेखों की कुछ सीमाएं भी थीं। उन सीमाओं को देखा जाए कि क्या सीमाएं रही हैं, व्हाट वेयर द लिमिटेशंस ऑफ द रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोकस, अशोक के जो प्रमुख सीमाएं रही हैं इनकी अगर हम बात करें तो पहली सीमा जो उभर करके आती है वो ये आती है, आपको बताएं कि जो बिंदुसार की मृत्यु का समय है, बिंदुसार की मृत्यु का समय 273 ईसा पूर्व है। साहित्य में अगर आप देखेंगे, लिटरेचर की अगर आप बात करेंगे, तो 273 ईस्वी में ईसा पूर्व में ही अशोक का राज्यारोहण हुआ, लेकिन अशोक के अभिलेखों में जो तिथि है, जो शासन की तिथि दी हुई है वो है 261 वर्ष ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व, सॉरी 269 ईसा पूर्व। जाहिर सी बात है इन चार वर्षों में कोई ना कोई उत्तराधिकार जरूर रहा होगा, तो सवाल इस बात का है कि इन चार वर्षों में क्या हुआ, अशोक ने कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, क्लियर है। तो ये अशोक के अभिलेखों की कमी मान सकते हैं, और वैसे भी जब राजा अभिलेख लिखाता है तो अपनी अच्छी अच्छी बातें तो खूब बताता है, लेकिन बुरी बातों को क्या करता है, वो हमेशा प्रयास करता है कि बुरी बात जो है, जो सीमाएं हैं वो ढंक दिया जाए। अशोक का अभिलेख भी इससे आपको अछूता नहीं दिखाई देगा, पहली चीज। दूसरी बात अगर हम करें कि जैसे कलिंग का अभिलेख, कलिंग का लेख हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, 13वें शिलालेख में स्पेशली कलिंग का युद्ध की चर्चा है 13th में, और वो बताता है कि कलिंग के युद्ध के बाद जो उसका जो जीवन था, जो उसकी लाइफ थी वो क्या थी, एकदम यू टर्न हो गई, बदल गई कलिंग के युद्ध के बाद। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने पराजित राजा का नाम नहीं रखा है, तो निश्चित रूप से हम वैचारिक रूप से अगर मानते कि ठीक है उदार चरित्र का था, तो कम से कम अपने विरोधियों को सम्मान देना चाहिए था, नाम तो बताना ही बताना चाहिए था। तो कलिंग के युद्ध में आपको शासक का नाम नहीं मिलेगा। तीसरी बात आप ये कह सकते हैं कि मुख्यतः प्रशासकीय पहलू पर है, प्रशासकीय पहलुओं पर चर्चा है,
आम आदमी के बारे में कोई खास चर्चा आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये अशोक के अभिलेखों की सीमाएं हैं, आप ये कह सकते हैं। और आपको बताऊं कि अगर देखेंगे तो अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः धम्म की नीति का प्रचार प्रसार हुआ है। तो अभिलेख हम मानते हैं कि प्रमाणिक है, धम्म की नीति को लाया होगा, लेकिन अगर हम समकालीन बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य को देखें, साहित्यिक स्रोतों को देखें, तो आप देखेंगे पुष्टि की समस्या है। यानी अगर ये अशोक के अभिलेख ना होते तो शायद हम लोग धम्म की नीति के संदर्भ में बहुत अच्छा जान भी नहीं पाते, है ना। हल्की फुल्की चर्चा जो है राहुलोवाद सूक्त और सिंहनाद सूक्त में की गई है, अदरवाइज मुख्य चर्चा अशोक के अभिलेखों की अभिलेखों में ही प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से पुष्टि और प्रतिपुष्टि की समस्या रहती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पुरातात्विक स्रोत अधिक वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए जो पुरातात्विक स्रोतों में जो बातें कही गई उन बातों को हम लोग ज़्यादा एथेंटिक मानते हैं और ज़्यादा प्रमाणिक मानते हैं। तो ये अशोक के अभिलेखों का संदर्भ हो गया, और इन्हीं संदर्भों पे, इन्हीं कंटेंट पे उठा करके इसमें अधिक फैक्ट झोंकने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो आपको 14 के 14 शिलालेखों की बात कर दें, लेकिन उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। मेन मेन कंटेंट जानने की जरूरत है कि मुख्य बातों, किन बातों पर जोर है उसे ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये रहा आपके अशोक के अभिलेखों की बात। आप देखेंगे तो प्रशासकीय पॉलिसी है, कुछ अधिकारियों के नाम है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको प्राप्त होती हैं। जब आप मूल्यांकन करेंगे तो ये सारी, इन सारे तत्वों को इंक्लूड करना होगा। क्लियर है? तो फिलहाल हम लोगों ने चर्चा किया अशोक के या मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के जो विभिन्न स्रोत हैं, उन विभिन्न स्रोतों की जो प्रकृति है, उनकी प्रकृति पर हम लोगों ने चर्चा किया। और जब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों के कॉम्परेटिव स्टडी या कॉम्परेटिव नॉलेज के बारे में भी आपसे सूचना मांगी जाएगी या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो स्रोतों के बाद आइए हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां अगर लिखना हो या बिंदुसार की उपलब्धियां लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। सीधा सवाल पूछता है ये, प्रश्न जो आपसे पूछेगा वो सिंपल सा सवाल पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां बताइए, या चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियां रहीं उन पर प्रकाश आप डालें, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? जैसे आपको बताएं कि निश्चित रूप से जब आप उपलब्धियों को बांटें, और एक चीज और भी जानते रहिए, जब आप किसी पर्टिकुलर शासक की उपलब्धियों को लिखें तो थोड़ा सा, ऐसा नहीं हाइपरबोलिक ना कर दें, लेकिन थोड़ा सा हीरोइक टच तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप पर्सनल उपलब्धियों की बात करते हैं। और निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे बड़ी उपलब्धि आपको दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में संस्थापक के रूप में और वह भी उस कंडीशन में जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास कोई भी राजतंत्रीय बैकग्राउंड नहीं था, एक सामान्य कुल का एक व्यक्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य कुल का व्यक्ति होने के, सामान्य कुल का व्यक्ति था। और आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कुल का है और अपनी योग्यता और प्रयासों के बल पे एक बृहद साम्राज्य की स्थापना कर रहा है तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि यह एक गौरव का विषय है, और उसकी जो उपलब्धियां हैं बैकग्राउंड को देखते हुए और भी बड़ी हो जाती हैं, है ना। तो निश्चित रूप से आपको ये कह सकते हैं कि सर जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सानिध्य में रह करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया वो निश्चित रूप से विलक्षण था। और सबसे बड़ी बात है कि यह मौर्य साम्राज्य ऐसा स्थापित हुआ कि केंद्रीकृत राज्यों का एक मॉडल स्टेट ये बन गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में
चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो है पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम जब राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे, राजनीतिक उपलब्धियां मुख्य रूप से राजनीतिक ही हैं, जब हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोग यह देखेंगे कि कैसे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हुआ, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले जो तरीका या प्रोसेस की बात हम करेंगे, जैसे बौद्ध साहित्य में अगर आप देखें महाबोधि वंश में है ना, एक कहानी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में एक जो रोटी वाली कथा मिलती है कि उस कहानी से, कहानी को यहाँ लिखना नहीं है, बस शॉर्टकट में आपको बताएंगे बस, लेकिन कहानी जानते तो रहिए। कहा यह जाता है कि प्रक्रिया मौर्य साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ इसके संदर्भ में थोड़ा सा इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहा है, और जो इतिहासकार हैं उनका ये कहना है कि महाबोधि वंश जो समकालीन साहित्य है वो ये कहता है कि इसने पहले मगध पर आक्रमण किया है ना, और जब मगध पर आक्रमण होकर के परास्त होकर के एक बुढ़िया के घर में जब ये शरण लिया ये और चाणक्य, तो जो भूख लगी हुई थी उससे रोटी मांगा उन्होंने, और उस रोटी को, गर्म रोटी को चंद्रगुप्त मौर्य ने बीच से तोड़ा और हाथ जल गया। आप खुद समझ सकते हैं कि सब कल्पनाशीलता है, ये सब वैज्ञानिक लेखन में लिखना नहीं है, अभी क्या लिखना है वो हम आपको बताऊंगे, लेकिन आप ये जानते रहिए। और बुढ़िया ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य हुए हो कि बीच से साम्राज्य को तोड़ रहे हो, और फिर उसी के बाद जो इतिहास, जो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का प्लान बदला और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर आक्रमण किया पहले, और उसके बाद फिर मगध साम्राज्य पर आक्रमण किया। कहानी चाहे कितनी भी आपको रोचक लग रही हो, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का जो प्रख्याता होगा, जो जानकार होगा है ना, जो अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक का प्रणेता होगा, क्या वो इस बात को नहीं जानता होगा कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण करना चाहिए कि मगध क्षेत्र से आक्रमण करना चाहिए? निश्चित रूप से उसको पता होगा। और वैसे भी जब अर्थशास्त्र को आप पढ़ोगे ना, तो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि विदेशी शासन अभिशाप है ना, तो निश्चित रूप से अगर विदेशी शासन को कर्ष मानने वाला, अभिशाप मानने वाला अगर चाणक्य है, तो वो सबसे पहले प्रयास यही करेगा कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर प्रयास किया जाए। और वास्तव में प्रक्रिया के संदर्भ में आप देखेंगे तो पहले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की राज्यों की विजय की गई और फिर मगध राज्य के विजय में। तो कैसे लिखा जाएगा इस सेक्शन को, तो आइए हम आपको जैसे बताएं लिखा जाए राजनीतिक उपलब्धियों में, तो आप ये कह सकते हैं, यहां से इंट्रो ले सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे कि शुरुआत करने से लिखना होगा कि महाबोधिवंश में कि रोटी वाली कथा से, सीधी सीधी बात डायरेक्टली लिखा जाएगा, कथा से यह संकेत मिलता है, यह संकेत मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया। जिसमें उसे असफलता हाथ लगी। पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, जिसमें उसे असफलता हाथ लगी। किंतु यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो यह तार्किक नहीं प्रतीत होता, है ना। और फिर आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र में विदेशी शासन को अभिशाप कहा गया है, इसलिए यह माना जा सकता है कि इसने सबसे पहले
उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की विजय किया। यानी मौर्य साम्राज्य के निर्माण में आप देखेंगे सबसे पहला जो कदम हुआ वो क्या था, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की विजय, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की विजय। और ये आसान भी हो चुका था, आप जानते रहिए, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की विजय आसान इसलिए हो चुका था कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अब ये पांच भागों में बट चुका था, पांच क्षत्रपियों में, उन्हें ही पराजित करना था। और उन्हें पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि एक तरह से उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों की विलय कर लिया। क्लियर है। और इसी बात को यूनानी लेखक भी कहते हैं कि 6 लाख की सेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी जुए को क्या किया, उखाड़ फेंका। तो आप इन चीजों को, इन बिंदुओं को कोरिलेट करके इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि पहला जो चरण था वो था उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के विजय का था। दूसरा जो दूसरा विजय हुआ वो था मगध राज्य पर विजय, मगध राज्य की विजय। वास्तव में इसका भी उपलब्ध सूत्र नहीं मिलता है बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी मगध राज्य के विलय या आक्रमण की बात अगर हम कहें तो हेमचंद्र का परिशिष्ट परमण है, थोड़ा बात का है लेकिन मजबूरी है, हेमचंद्र का परिशिष्ट परमण है ना। इससे अगर आप देखोगे तो मिलेगा, आगे चलकर के विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से भी ये सूचना मिलती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हेमचंद्र के परिशिष्ट परमण से संकेत मिलता है, संकेत मिलता है कि उसने क्या किया कि तत्कालीन जो शासक था धनानंद को पराजित किया। मगध का जो तत्कालीन शासक था धनानंद को पराजित किया, पराजित सेकेंडरी एविडेंस है हेमचंद्र का परिशिष्ट परमण या मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का गुप्तकालीन रचना है, लेकिन जब प्राथमिक साहित्य ना मिले तो द्वितीयक साहित्य का प्रयोग करना पड़ता है। और इस साहित्य को देखने से ऐसा पता चलता है कि जो क्या कहते हैं कि जो धनानंद था वो मगध साम्राज्य से बाहर चला गया, उसको बाहर जाने दिया गया और फिर इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी आप देखेंगे अगर इसको मैप पे भी दिखाएं तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जो पहला चरण हुआ मौर्य साम्राज्य की स्थापना का, तो ये रहा मगध आपका, मगध साम्राज्य पहले से ही यहां तक था धनानंद के समय में। और जब पहले क्या किया कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का विलय किया गया फर्स्ट स्टेज में, और सेकेंड स्टेप में मगध साम्राज्य का विलय कर लिया गया। और आपने देखा कि इन दो युद्धों में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, एकदम ग्राफिकली जानते रहिए, ऐसे लिख भी देना है बना भी देना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपने देखा कि इन सेकेंड स्टेप में उसने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। तीसरी जो इसकी प्रमुख उपलब्धि दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है, ये दो हो गया, तीसरी उपलब्धि दिखाई देती है सेल्यूकस से युद्ध में, सेल्यूकस से युद्ध में 305 ईसा पूर्व की ये घटना है। और आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा लेखक यूनानी नहीं है जो कि युद्ध के कारण की सूचना देता है, सब सीधे परिणाम की बात करते हैं। तो परिणाम से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सेल्यूकस का पराजय हुआ रहा होगा, है ना। एक छोटा सा इतिहासकार आपको मिलेगा एपियानस, एपियानस, एपियानस ने कहा था कि वास्तव में जो सेल्यूकस था इसने हिंदू कुश पार किया, और तक्षशिला का था, हिंदू कुश पार किया और इसकी वजह से लड़ाई हुई। तो पार किया को हम मान सकते हैं कि सेल्यूकस का आक्रमण हुआ रहा होगा। और फिर उसने बताया कि इसके बाद अंत जो है एक वैवाहिक संबंध से हुआ,
और ये वैवाहिक संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। और आपको बताऊं, नाम तो नहीं मिलता लेकिन अनुश्रुतियों में नाम मिलता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया, है ना। ये अनुश्रुतियों में है, किसी स्रोत में उसकी लड़की का नाम नहीं मिलता, लेकिन फिलहाल हेलेना को, हेलेना से विवाह हुआ, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह हुआ। और एरिया, याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी, ये लिखना एरिया आर्कोशिया, एरिया आर्कोशिया जेड्रोसिया, जेड्रोसिया पेरपेनिसडोई, 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 ये चार क्षेत्र नाम मिलते हैं। एरिया का नाम हो गया हेरात, आर्कोशिया का नाम हो गया कांधार, जेड्रोसिया हो गया बलूचिस्तान, और पेरपेनिसडोई बलूचिस्तान, और पेरपेनिसडोई हो गया आपका काबुल। हेरात, कांधार और बलूचिस्तान और काबुल, यानी ये जो सेक्शन है आप ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर भी अधिकार हुआ और ये दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। और याद रखिएगा, इस सीमा को ना तो गुप्त युग में प्राप्त किया जा सका, ना तो सल्तनत युग में, ना तो मुगल काल में, और ना अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स काल में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूर्व की मौर्यों की जो राजनीतिक उपलब्धियाँ हैं, और स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक उपलब्धियाँ है, दैट वॉज द ट्रिमेंडस, और वो इतिहास में एक ऐसा माइलस्टोन बनी जो कि कभी भी दूसरे के द्वारा अस्थाई रूप से प्राप्त नहीं कर किया जा सका। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी अपलोड थी, और आप ये कह सकते हो कि इट वॉज द साइंटिफिक बाउंड्री ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, वैज्ञानिक एक तरह से सीमा थी, और भूगोल जो उसे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। फिलहाल ये भी सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, 500 हाथी उपहार में दिए। और एक और सूचना है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि मेगस्थनीज जो है एक राजदूत के रूप में आया, जिसने इंडिका लिखी, और इस पे हमने विधिवत चर्चा किया है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से दूत परंपरा, एम्बेसी जो ट्रेडिशन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रखा गया। तो तीन पिलर हमने आपको बताए अभी। पहली चीज, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का विलय, पिलर नंबर एक। नंबर दो, आप देखेंगे मगध साम्राज्य का विलय आक्रमण। नंबर तीन, सेल्यूकस पे, क्लियर हो गया। और नंबर चार की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत के विजय। नंबर फोर, दक्षिण भारत के विजय। और वास्तव में आप ये कह सकते हैं, दक्षिण भारत में आप देखो सोपारा, जटिंगरामेश्वर आदि से मिलता है। अशोक के समय में केवल कलिंग के युद्ध की चर्चा है, इसका मतलब है कि अशोक के पहले ही दक्षिण भारत का क्षेत्र रहा होगा। जब अशोक ने किसी अन्य उपलब्धि नहीं प्राप्त की और उसके अभिलेख आपको मिलते हैं कहाँ से, साउथ इंडिया से, इसका मतलब है कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है, महाराष्ट्र का जो पार्ट है, वो पार्ट रहा होगा पहले से ही। महाराष्ट्र, आंध्र और उड़ीसा का पार्ट किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही रहा होगा। तो एक तर्क तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य के साम्राज्य में था। आप कारण भी लिख भी सकते हो, क्योंकि अशोक के अभिलेख तो मिलते हैं, अशोक के लेख तो प्राप्त होते हैं, लेकिन अशोक के लेख मिलते हैं किंतु अशोक के लेख तो प्राप्त होते हैं किंतु उसने दक्षिण में विजय नहीं की। तो अगर उसने दक्षिण में नहीं विजय की तो जाहिर सी बात है ये चंद्रगुप्त मौर्य का रहा होगा। आप कह सकते हैं कि सर ये बिंदुसार का भी हो सकता है, लेकिन बिंदुसार को ये माना जाता है कि विजेता राष्ट्र, विजेता शासक नहीं माना जाता है,
उसे यह माना जाता है कि वह एक शांतिप्रिय शासक था, इसलिए ज़्यादा संभावना है कि वो विलय हुआ होगा किसके समय में, अशोक के समय में ही, अरे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रहा होगा। एक और साक्ष्य देता हूँ आपको, बताइए दूसरा साक्ष्य ये कि माना यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में 12 वर्षों के लिए श्रावण वेलगोला गया कर्नाटक में, और श्रावण वेलगोला और यहां पर इसने संलेखना कर लिया। संलेखना का मतलब होता है मृत्यु द्वारा, उपवास द्वारा मृत्यु त्याग। जैन शासक होकर के जैन धर्म का मत नहीं आई था, संलेखना को बड़ा अच्छा माना जाता था, और संलेखना के द्वारा उसने क्या किया कि प्राण त्याग कर दिया। और वहीं पर एक आपको छोटा सा मंदिर मिलता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त बस्ती। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी शासक अंतिम समय में कहाँ जाना चाहेगा, अपने ही राज्य में जाना चाहेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि दक्षिण भारत का यह जो क्षेत्र है निश्चित रूप से कहाँ रहा होगा सर, इसके क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही रहा होगा। इसके अतिरिक्त सौराष्ट्र क्षेत्र में आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो सुदर्शन झील बनाए जाने की सूचना मिलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि सौराष्ट्र क्षेत्र तो रहा ही होगा। और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, लेख बात का है, लेकिन इसमें इसके जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील बनवाने और सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर तुष्यास्प कह रहे हैं, पुष्यगुप्त का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त के समय में। तो निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिन देखो अब हमने जो आपको प्रमाण दिया यह भी एक तरह से पुरातात्विक दिया, यह भी पुरातात्विक दिया और यह भी पुरातात्विक दिया, है ना। हमने ये नहीं लिखा कि किस साहित्य में ऐसा मिलता है, आप पुरातात्विक स्रोत दे देते हैं तो वो ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। यानी इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जीता गया। क्लियर है, तो ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवी में एक बिंदु और डाल सकते हैं कि एक तरह से मौर्य प्रशासन संगठित किया गया। एकदम प्रशासन नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिख देना है कि कौटिल्य के सिद्धांतों के आधार पर मौर्य प्रशासन एक केंद्रीकृत प्रशासन के रूप में संगठित किया गया। क्लियर हो गया। और इन्हीं चारों पांचों बिंदुओं को अगर आप ऐड कर दोगे, देखो इन चार पांच बिंदुओं को अगर आपने ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां लिखना आसान हो जाएगा। एक पॉइंट 20-25 शब्द ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट 25-30 शब्द, थर्ड में 50 शब्द, यानी लगभग 150 वर्ड यहां तक हो गया, 50-60 वर्ड यहां, 50-60 वर्ड यहां। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आपने डिवीजन किया हुआ है तो बहुत आराम से चंद्रगुप्त मौर्य की आप उपलब्धियां लिख सकते हैं। तो कंटेंट क्लियर हो गया क्या करना है, है ना। अब ये एकदम लिखने की जरूरत नहीं है कि उसको सेंडोकोटस कहा गया, एंडोकोटस कहा गया, वो हो चुका, ये प्रिलिम्स में आप पढ़ चुके। अब आप बताइए कि इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन सा ऐसा तथ्य है जो आप प्रिलिम्स लेवल पे नहीं जानते हैं, या जो सामान्य स्टूडेंट है जिसने ISPT क्वालिफाई किया है वो क्या इन बिंदुओं को नहीं जानता। क्या आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन के लिए किसी अतिरिक्त फैक्ट की आवश्यकता है, एकदम नहीं है, बस उसे लिखने की कला आनी चाहिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां इन संदर्भों से आराम से लिखी जा सकती हैं। क्लियर है, चलिए अब हम बात करते हैं बिंदुसार की उपलब्धियां। जाहिर सी बात है अभी तक तो नहीं पूछा गया है बिंदुसार की उपलब्धियां। आपको आज की क्लास के साथ इस पे मौर्य साम्राज्य पे जो कुछ सवाल आए हुए हैं UPSC के लिंक में मिल जाएंगे, आप वहां पढ़ सकते हैं, UPSC का सिलेबस मिल जाएगा।
और वैसे भी यूपीएससी का और यूपीपीएससी दोनों का सिलेबस एक ही है ना, और इसी सिलेबस के अधीन सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड का सिलेबस देखोगे तो वहाँ तो ऑप्शनल नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर जीएस देखोगे ना तो लगेगा कि हिस्ट्री का ऑप्शनल ही उतार दिया गया है उसमें, तो वो भी वहाँ पे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और किसी भी कमीशन के जीएस का जो पार्ट होगा वो जाहिर सी बात है यूपीएससी के, और हिस्ट्री का अगर होगा तो वो यूपीएससी के ऑप्शनल सिलेबस का सबसेट ही होगा, थोड़ा सा पार्ट ही होगा, है ना। तो ये एक तरह से सबसे विस्तृत अध्ययन है, उससे ज़्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल हम लोग बात करेंगे बिंदुसार की उपलब्धियों की, बात करेंगे कि बिंदुसार की उपलब्धियां क्या रहीं, कैसे लिखेंगे, किन किन बिंदुओं की बात करेंगे। जाहिर सी बात है बिंदुसार में को एक विजेता के रूप में नहीं जाना जाता है, एक शांतिप्रिय शासक के रूप में जाना जाता है। तो कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे कि सन का तो कोई मतलब ही नहीं है, जानते रहिए तो भी नहीं लिखे, है ना। 298 से 273 ईसा पूर्व के आसपास का समय है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। तो बिंदुसार के संदर्भ में जाहिर सी बात है जो इसके राजनीतिक उपलब्धियों की अगर आप बात करो तो कोई खास नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक नाम आता है तारानाथ का। अब भाई तारानाथ 15वीं 16वीं शताब्दी का पूर्व मध्यकाल का, आप ये कह सकते हैं मध्यकाल का है तारानाथ, है ना, समकालीन नहीं है, द्वितीयक साक्ष्य है तारानाथ, लेकिन उसके बावजूद हम तारानाथ के विवरण का यूज कर रहे हैं। और वास्तव में तारानाथ क्या लिखता है, बौद्ध है, ये चीनी यात्री है। तारानाथ ने सूचना दी है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के बीच सोलह राजाओं के संघ को पराजित किया। ये तारानाथ का विवरण है। खैर इतना बड़ा तो नाम नहीं है, क्या कहते हैं कि इतना बड़ा शासक नहीं था, लेकिन अगर आप इसकी उपाधि देखोगे ना, अमित्रघात या अमित्रोचेडस। अमित्रघात का मतलब क्या होता है, अमित्र मतलब शत्रु, घात मतलब मारने वाला, शत्रु के ऊपर घात लगाने वाला। तो उस हिसाब से लगता है कि हो सकता है तारानाथ का विवरण हो, लेकिन सही हो, लेकिन अगर आप इस विवरण को मान लोगे ना कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र, तो जाहिर सी बात है आपको यह मानना होगा कि पूरी प्रायद्वीपीय भारत पे मौर्य साम्राज्य स्थापित हो गया था, और ऐसा कभी नहीं हुआ। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र हमेशा मौर्य साम्राज्य से बाहर रहा। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह सही रहा होगा, लेकिन मोटे तौर पर इतना तो हम मान ही सकते हैं कि पराजित किया। यह तार्किक नहीं है, सूचना अन्य आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रमाणों से पुष्टि नहीं। देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, स्वतंत्र प्रमाणों से पुष्टि नहीं। क्यों नहीं स्वतंत्र प्रमाणों से पुष्टि है, आप जरा देखिए, स्वतंत्र प्रमाणों से पुष्टि नहीं होगी तो साहित्यिक स्रोत है और वो भी द्वितीयक साक्ष्य है, तो हम इसे सही नहीं मानेंगे कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत पर इसका अधिकार रहा होगा, ठीक है। फिर भी हम ये मोटे तौर पर मान सकते हैं कि इतना तो था ही कि बिंदुसार के समय में मोटे तौर पर, ये भी कम नहीं आप कह सकते हैं कि मोटे तौर पर साम्राज्य बना रहा। इतना बड़ा साम्राज्य बना रहा, क्या यह कम उपलब्धि है, मान सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर ही है, क्योंकि बिंदुसार के समय से हमें विद्रोह दिखाई देने लगते हैं, और वास्तव में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए,
ये सीमाएं हैं। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए और इन विद्रोहों के कारणों को समझिए, क्योंकि आगे ये पतन के कारण में भी होगा। पहला विद्रोह भेजा गया अशोक को, दूसरा भेजा गया सुसीम को। और अशोक जब गया तो वहाँ की आम जनता ने, वहाँ की जो जनता थी उसने कहा कि हम मौर्य साम्राज्य के विरोधी नहीं हैं, मौर्य साम्राज्य के नीतियों के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी हमारा शोषण करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा सा प्रशासन में वो नियंत्रण नहीं दिखाई दिया। श्योर? दूसरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उड़ीसा का पार्ट था ही, महापद्मनंद के समय से ही रहा था। और अशोक को आते ही कलिंग राज्य के से युद्ध करना पड़ा, तो माना जा सकता है कि कलिंग राज्य पर भी नियंत्रण बिंदुसार के समय से कमजोर हो रहा था। फिलहाल इसमें एजम्पशन हो सकता है, इसको हम ना भी लिखें तो तक्षशिला के दो दो विद्रोहों की तो सूचना मिलती ही मिलती है। यानी राजनीतिक उपलब्धियों में इन संदर्भों के हिसाब से हम इन बातों को लिखेंगे। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें सांस्कृतिक उपलब्धियां की बात है, तो निश्चित रूप से इसका जो अन्य पक्ष अगर आप देखेंगे, जो कल्चरल अचीवमेंट्स है उसमें आप ये कह सकते हैं कि दूत परंपरा जारी रही, और बड़े रोचक रोचक इसमें उदाहरण मिलते हैं। दूत परंपरा जारी रही दो हैं। पहला तो स्ट्रेबो ने सूचना दी है, स्ट्रेबो की सूचना है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस ने क्या किया कि डायमेकस को दूत भेजा। तो निश्चित रूप से सीरिया के शासक ने भी हुआ। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो प्लिनी ने सूचना दिया है, यूनानी है, कि मिस्र का शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय इसने डायनेसियस को दूत भेजा था। और एक सूचना एथेनियस की भी है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एथेनियस ने एक रोचक सूचना दी है। एथेनियस का कहना था कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक से तीन चीजें मंगाई, अंजीर, मदिरा और दार्शनिक फिलोसफर्स। और सीरिया के शासक ने दो चीजें तो भिजवा दी, अंजीर और मदिरा, और दार्शनिक के लिए उसने कहा कि उसके देश का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। इसका मतलब क्या था? ये अच्छे संबंध रहे होंगे दूत परंपरा पर, तभी तो भेजा गया होगा। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं। एक चीज और भी कह सकते हैं कि इसने आजीवक धर्म को एक पॉइंट चलो और बना देते हैं, ये सेकंड पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट में अगर आप बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसने आजीवक धर्मानुयायी था, और आजीवक को इसने मंत्री भी बनाया था। तो कुल मिलाकर के बिंदुसार की उपलब्धियों को इन्हीं संदर्भों में देखा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि बिंदुसार पे इतने कंटेंट है, 200 शब्द ही पूछा जाएगा, है ना, तो लगभग 70-75 शब्द यहाँ पे, और सांस्कृतिक में 70-75 150, बाकी जो छोटी छोटी बातें हैं उसको उठा करके लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे?
तो सीधे सीधे लिखेंगे कि सामान्यतः बिंदुसार को एक शांतिप्रिय शासक के रूप में माना जाता है ना। उत्तराधिकार के रूप में उसे विशाल मौर्य साम्राज्य प्राप्त हुआ। तारानाथ, यद्यपि तारानाथ ने यह सूचना दी है कि बिंदुसार ने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच स्थित 16 राजाओं के संघ को पराजित किया, किंतु स्वतंत्र प्रमाणों से इसकी पुष्टि नहीं होती है ना, क्योंकि तारानाथ के विवरण से का निष्कर्ष यह है कि प्रायद्वीपीय भारत पर बिंदुसार का नियंत्रण हुआ, किंतु वास्तविकता में स्वतंत्र प्रमाणों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त बिंदुसार के समय से ही मुगल मौर्य साम्राज्य में विद्रोह की शुरुआत होने लगती है। तक्षशिला से हमें दो विद्रोहों की सूचना मिलती है, जिसमें पहले विद्रोह को अशोक ने दबाया और दूसरे को सुसीम ने, और इन विद्रोहों से यह स्पष्ट पता चलता है कि वहाँ की जनता अधिकारियों के शोषण से परेशान थी, इसलिए उसने आवाज़ उठाई। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना था कि कलिंग ने भी बिंदुसार के समय से ही विरोध करना शुरू कर दिया था। क्लियर है। फिर भी यह माना जा सकता है कि मोटे तौर पर बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा गया। जब आप इतना लिखोगे मोर देन 100 वर्ड हो गया। क्लियर है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, आगे लिखिएगा कि बिंदुसार के समय में सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी रहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो दूत परंपरा शुरू हुई थी, उस दूत परंपरा का विस्तार हुआ। और फिर वो दोनों फैक्ट लिखेगा कि किस तरह से लिखेगा कि स्ट्रेबो ने यह सूचना दी है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को दूत भेजा था। इसी प्रकार प्लिनी ने यह सूचना दी है कि मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने डायनेसियस को भेजा। श्योर, एथेनियस की भी चर्चा करिएगा और इस प्रकार लिखेगा कि जो दूत की परंपरा थी वो जारी रही। और फिर आजीवक का भी नाम उसी में डाल दीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा इन्हीं संदर्भों में या उपर्युक्त उपलब्धियों के संदर्भ में हम बिंदुसार का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये एक से, और वैसे भी देखो चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि बड़ा शासक था। तो भाई उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना ही किया था, तो क्रेडिट तो उसको जाएगा ही जाएगा, है ना। और उसके बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप देखेंगे अशोक महान, अशोक को महान शासक कहा ही जाता है। तो चंद्रगुप्त और अशोक के बीच में आप देखेंगे तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार कहीं ना कहीं दब सा गया आपको दिखाई देता है। तो प्रायः ऐसा होता है कि दो बड़े शासकों के बीच में का जो शासक का जो मूल्यांकन होता है ना, वो ट्रांजिशन फेज का होता है और काफ़ी कठिन हो जाता है। क्लियर है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं, अशोक की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में अशोक, वास्तव में अगर आप देखें तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 बीसी से ही इसका शासन काल माना जाता है। लेकिन जब अशोक के अभिलेखों को आप उठा करके देखेंगे तो 269 बीसी का उल्लेख मिलता है। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो अशोक की शुरुआत, जो शुरुआत है अशोक का, वो कहीं ना कहीं उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में या उत्तराधिकार संघर्ष इसमें जरूर दिखाई दिया होगा। क्लियर है। उत्तराधिकार का ये संघर्ष है, यानी ये तथ्य आपको दिखाई देता है, उत्तराधिकार बैटल ऑफ संघर्ष। कुछ पक्ष को जानिए फिर हम चर्चा करेंगे। उत्तराधिकार संघर्ष की तरफ संकेत करता है। भाई इन चार वर्षों में आखिर में क्या हुआ होगा? और आपको बताऊं, जब आप बौद्ध ग्रंथ या सिंघली ग्रंथ देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। और 99 भाइयों की हत्या करके क्या किया इसने कि मौर्य साम्राज्य को प्रशासक बना। तो ये संकेत करता है कि कोई गंभीर उत्तराधिकार संघर्ष रहा होगा। हाइपरबोलिक है। कभी कभी जो बौद्ध लेख हैं
बौद्ध है, साहित्य है, वो अपने शासक की बातों को क्या करता है, बड़ा हाइपरबोलिक बताता है। यानी वो कहीं ना कहीं ये शो करना चाहा होगा कि पहले जो ये शासक जो था वो कितना क्रूर था, क्योंकि अशोक भी प्रारंभिक स्तर पे आप देखोगे तो प्रारंभिक स्तर पे अशोक जो है वो क्या होगा कि काफ़ी क्रूर था, और ये क्रूरता उत्तराधिकार संघर्ष में उठा करके दिखाई देती है, श्योर है। और बाद में जाकर के वो अहिंसात्मक नीति अपनाई क्योंकि वो बौद्ध धर्म में चला गया, तो यह भी उद्देश्य है। तो इसलिए हम इसे पूरी तरह से सही नहीं मानते, और वैसे भी अशोक के अभिलेखों में ये संकेत मिलता है कि उसके भाई और उसके जो पूरे खानदान के लोग हैं वो जीवित थे, तो निश्चित रूप से उत्तराधिकार संघर्ष रहा होगा, लेकिन इतना भीषण तो नहीं रहा होगा, क्लियर है। तो अशोक को उत्तराधिकार संघर्ष का सामना करना पड़ा था। अब जरा समझिए अशोक की स्थिति को, जो महान शासक है विश्व स्तर पे, हम लोग अशोक महान भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अशोक की महानता को किन संदर्भों में देखा जाना चाहिए, क्या राजनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए या कोई और संदर्भ है, राजनीतिक संदर्भ या कोई अन्य संदर्भ। जाहिर सी बात है राजनीतिक संदर्भ अशोक की सफलता या अशोक की महानता का नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संदर्भ अगर आप देखोगे, एक चीज और भी जानते रहिए मेंस के हिसाब से, जो इसके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं कि माता का नाम सुभद्रांगी, अरे क्या कहते हैं, माता का नाम महाविदिशा और पत्नी का नाम तिश्यरक्षा है, कारुवाकी है, ये सारी आपको नाम मिलता है, या पुत्र का नाम है, किसने इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, निग्रोध का नाम, उपगुप्त का नाम, मुगल पुत्र तिश्य का नाम, ये सारे नामों को फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू की टोकरी में डाल दीजिए, है ना, पढ़ते समय आप एक बार पढ़ लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मूल्यांकन होगा तो अशोक की नीतियों के संदर्भ में होगा। वैसे भी हमने अशोक के अभिलेखों की चर्चा वहाँ पे विस्तृत स्रोत में कर दिया है, तो अभिलेखों की चर्चा होगा, धम्म की नीति के संदर्भ में चर्चा होगा, और फिर उसका ये विश्लेषण होगा कि किस तरह से जो है क्या कहते हैं कि क्या उसकी जो नीतियाँ थी, जो उसकी पॉलिसी थी, मौर्य साम्राज्य के बिखराव में कहीं से तक उत्तरदायी थी, या अशोक ने मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सुधार किया, ये सारे एस्पेक्ट उसमें पूछे जाएंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास हमारी स्पेशली ऑप्शनल की मेंस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम फैक्चुअल पार्ट को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, ऐसा ना सोचिएगा कि सर यहाँ क्यों नहीं बताया जा रहा है, निश्चित रूप से क्लास का ये रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि हम लोग मेंस के टॉपिक पे अधिक से अधिक तभी आप डिस्कस ही कर पाओगे, नहीं तो फिर प्री का तो फैक्ट ही फैक्ट हो जाएगा, वो आप जीएस की क्लास में भी जानते हो। हाँ, ये जरूर कर सकता हूँ कि क्लास के समय जब भी करूँगा ही कि जो भी हमने आपको प्रिलिम्स का स्टडी मटेरियल दिया हुआ है उसको भी स्टडी मटेरियल में अटैच कर लेंगे, तो आप यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ जो मेंस का लेख रहेगा वो अलग से तो देंगे ही देंगे, तो ये एक प्लान हो सकता है, वहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अशोक की महानता का जो संदर्भ है वो राजनीतिक तो कतई नहीं है, और प्रसंग बस आपको बता दूं, विश्व के स्तर पर देखोगे तो पांच महान शासकों का नाम मिलता है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक हो गया आपका अशोक महान, भारत में देखोगे फिर अकबर महान, फिर यूरोप में पीटर द ग्रेट का नाम आता है, और फिर नेपोलियन का नाम आता है, है ना। और इन पांचों शासकों की महानता का जो संदर्भ है वो अलग अलग है, तो निश्चित रूप से आज हम यहाँ ये भी देखेंगे कि वास्तव में अशोक की महानता का संदर्भ क्या है, किस रेफरेंस में हम अशोक को महान शासक मानते हैं। फिलहाल जरा अशोक के समय की कंडीशन को देखिए, अगर राजनीतिक स्तर पर देखोगे तो शायद उत्तराधिकार में इस तरह का राज्य किसको मिलेगा, भाई बिंदुसार को प्राप्त हुआ, चलिए ठीक है, लेकिन हम अशोक के संदर्भ में अगर हम बात करें, थोड़ा सा नक्शा बहुत ही खराब बन गया, लेकिन इसलिए इसको हम सही करते हैं फिर से, थोड़ा बहुत भी अगर आप इतना भी बना लेते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ऑप्शनल में या जीएस में आपको थोड़ा सा प्रिविलेज जरूर मिल जाता है,
अशोक के अगर हम बात की बात करें तो निश्चित रूप से अशोक के समय में आज भी अगर आप देखो तो ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था भाई स्वतंत्र थोड़ी हुआ था, और ये राजस्थान और ये सारा जो पार्ट था ये सारे सेक्शन तो अशोक के राज्य में इसको उत्तराधिकार से ही मिले हुए थे। ये प्रोपाउंडेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य एंड कॉन्टिन्यूड इन द रिजिम ऑफ बिंदुसार, यही तो स्टेटस था। अब आगे करने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा सा फार साउथ सुदूर दक्षिण वाला एरिया था और ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र था, ये कश्मीर वश्मीर वाला पार्ट था। तो अशोक को तो ऑलरेडी बहुत बड़ा क्षेत्र मिला था, एक बृहद क्षेत्र प्राप्त हुआ था, तो निश्चित रूप से राजनीतिक उपलब्धियां नहीं थी। हाँ एक बात जरूर कहेंगे कि सर यहां पर कलिंग का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कलिंगा, ये रहा कलिंग। और याद रखो पाटलिपुत्र यही है, जो पाटलिपुत्र है वो यही है। तो निश्चित रूप से कलिंग का युद्ध होना, कलिंग का सर उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और अशोक के काल में अगर आप राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में देखोगे तो एक ही हुआ, कलिंग, कलिंग का युद्ध हुआ। और आपको बताऊं, बोलता है कि राज्यारोहण के आठवें वर्ष, तो आप 273 से नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे 269 से 8 वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में यह कलिंग का युद्ध हुआ। क्लियर है? कारण क्या रहा? जाहिर सी बात है अगर आप देखें तो पड़ोसी राज्य था दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ, आर्थिक व्यापार में बाधा हो सकता था, साथ ही साथ एक इतने बृहद साम्राज्य में जस्ट समीपवर्ती राज्य स्वतंत्र हो जाए, और वह भी आप देखेंगे कि मगध महाजनपद में महापद्मनंद के समय से ही यह क्षेत्र था, तो निश्चित रूप से राज्य के लिए एक चुनौती की बात थी। और जब 13वें शिलालेख की बात आप करोगे तो बोलता है कि इस युद्ध में, नाम तो नहीं देता है लेकिन 13th शिलालेख के बाद वो चर्चा करता है, कहता है कि 100,000 लोग मारे गए इस युद्ध में, 100,000 मारे गए, 150,000 लोग विस्थापित हो गए। और इसने कहा कि इसके इस युद्ध के पश्चात जो विजेता का जो हृदय है वो द्रवित हो गया, और इस युद्ध के पश्चात उसने भेरी घोष की नीति की जगह पर, भेरी घोष की नीति की जगह पर के जगह पर धम्म नीति, धम्म नीति का अनुसरण किया। तो भेरी घोष की नीति क्या होती है? साम्राज्यवादी नीति होती है, और धम्म नीति जो थी वो दूसरी थी, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और वास्तव में अशोक की जो महानता का कारण है वो धम्म नीति ही मानी जाती है, पॉलिसी ऑफ धम्म माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि जो कलिंग का युद्ध एक बहुत ही क्या कहते हैं डिसाइडिंग फैक्टर रहा। और इसीलिए यूपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया कि मगध महाजनपद से लेकर के अशोक तक, है ना, या ऐसे लिखा गया कि अशोक तक मगध साम्राज्य के विस्तार पर टिप्पणी लिखे या चर्चा करें, इस तरह से था। वो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी जिस बिंबसार के साथ, अंग के विजय के साथ जो मगध साम्राज्यवाद की कहानी शुरू हुई, वास्तव में अशोक के कलिंग युद्ध के साथ साथ ही वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा कि अब अगर आप देखेंगे तो मोटे तौर पर ये आप इसे राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एफर्ट कह सकते हैं, जो भी आप टर्मिनोलॉजीज को यूज करें, निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक एफर्ट था कि अभी तक
आयरन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के हिसाब से साम्राज्यवादी या शक्ति के आधार पर यह साम्राज्य का विस्तार किया था। अब अशोक के का श्रेय इस बात के लिए माना जाएगा कि उसने युद्ध की नीति की जगह पर साम्राज्यवाद की नीति की जगह पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से उसने क्या किया कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से ये धम्म नीति के माध्यम से उस साम्राज्यवाद को देखा। यानी धम्म नीति को भी हम उसी एक अदर अप्रोच एंड अदर अप्रोच के रूप में मानते हैं। तो निश्चित रूप से अशोक की जो धम्म नीति थी वह उसे अन्य नीतियों से क्या करेगी, अलग करेगी। क्लियर है? तो अशोक की महानता का कारण उसका राजनीतिक संदर्भ उतना नहीं था जितना कि धम्म नीति का था। श्योर है? तो ये हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे अशोक की धम्म नीति, अशोक के धम्म नीति की बात करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे अशोक की धम्म नीति, और इस पे चर्चा करने के पश्चात हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो धम्म नीति थी उसकी प्रशासकीय नीति का ये प्रमुख अभिकरण बनी। यानी धम्म नीति का जो इम्पैक्ट देखा गया वो अदर पॉलिसीज में देखा गया, किंतु इन सब की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इस चीज़ को आप लोग आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए, और अगर कहीं कोई बात होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप उसे कमेंट के द्वारा बताइए भी। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी और अप टू द मार्क लगेगी। इन्हीं कंटेंट के सहायता से नेक्स्ट कल की क्लास हम लोग धम्म की नीति और प्रशासन पे रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लोग रखेंगे किस पे, साम्राज्य के पतन और क्वेश्चन आंसर सेशन पे रखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।